सीएम के विवादित बयान के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा की जिला इकाई की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और शर्मनाक बयान दिया गया है। ये बताता है कि बिहार सरकार महिलाओं को कितना सम्मान व न्याय देने की बात करती है। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सीताराम सिंह ने की। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा ने भी सरकार पर हमला बोला। मौके पर पूर्व नगर विधायक श्रीकृष्ण सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर, महामंत्री कुंदन भारती, उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार वीरेश, सरोज कुमार, संजीव सिंह, राजेश कुमार गुड्डू, राजेश कुशवाहा आदि थे। मंझौल से सम के अनुसार एवीबीपी की मंझौल नगर इकाई की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। शताब्दी मैदान के मुख्य द्वार पर आरसीएस कॉलेज संगठन मंत्री अर्जुन कुमार एवं बालिका प्लस टू इकाई की अध्यक्ष अंजलि कुमारी के नेतृत्व में सीएम व डिप्टी सीएम का पुतला फूंका गया। बिहार प्रांत की सह छात्रा प्रमुख श्वेत निशा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रियदर्शनी झा, नेहा कुमारी, दिव्या कुमारी, पल्लवी कुमारी, काजल कुमारी, सोनी कुमारी, मनीषा कुमारी, अंजलि कुमारी, अंशु कुमारी, बोलबम कुमार, अर्जुन कुमार, रवि कुमार, अमित कुमार, सौरभ कुमार, रोहित कुमार आदि उपस्थित थे। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। उसी का ये फरमान है जो भाषा का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के दोनों सदन में महिलाओं के सम्मान के बदले अपशब्द और अमर्यादित बयान दिया। हम लोग महिलाओं को सम्मान करते हैं और वो देश की आधी आबादी है और हमारे जिसको मुख्यमंत्री बनाया वोट देके वो महिलाओं का अपमान किया सदन में, इसलिए हम उनका पुतला दहन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं महिलाओं से कि महिषासुर रूपी जो नीतीश कुमार बिहार की मुख्यमंत्री है, क्योंकि महिला दुर्गा है, महिला काली है, महिला सरस्वती है, उसका नाश करेगी और गद्दी से उतारेगी। जनतंत्र तरीके से जब चुनाव होगा तो उसका विरोध किया जाएगा और उसको गद्दी से उतारेंगे, इसलिए आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा। माफी भी तो मांग लिया है फिर इसको, महिला पहले अपमान किए तब माफी मांगने से क्या होगा, पहले इस्तीफा दें वो, अब उनको माफी नहीं वो इस्तीफा दें। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार है, प्रदेश महामंत्री। नीतीश कुमार बेशर्म मुख्यमंत्री, बेवकूफ मुख्यमंत्री, बिहार के आन और मान सम्मान में आघात पहुंचाया है और महिलाओं के साथ इस तरह से अश्लील शब्द बोल करके जो बोला नहीं जा सकता है, हम लोग बोल नहीं पाएंगे ऐसी बात जो बोल करके सदन में, क्या चौराहे पर था वो, विधानसभा में जहां विधान बनता है, इस तरह का काम करके पूरे बिहार को शर्मिंदा किया है। विश्व के पैमाने पर नीतीश कुमार का निंदा हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री सम्मानजनक इस्तीफा दे दे और वहां के किसी को बना दे मुख्यमंत्री। विधानसभा में उन्होंने माफी भी मांगी है। माफी से कुछ नहीं, किसी को गला काट दीजिए तब कहिए माफी, किसी का इज्जत उतार दीजिए तब कहिए माफी। बेशर्म मुख्यमंत्री है, चरित्रहीन मुख्यमंत्री है। लोग तो कहते हैं, मैं तो नहीं देखा है लेकिन लोग कहते हैं वह गांजा पीता है, शराबखोर है, सब कुछ है। एक महिला जो पीछे बैठी हुई थी सदन में, इससे शर्मनाक बोल क्या हो सकता है? आप अपने परिवार के साथ भी बैठे हैं, आप इस वीक पे जो स्टेटमेंट है सुना सकते हैं परिवार के लोग के साथ? सब वस्त्र के नीचे सब नंगा है लेकिन वस्त्र पहन के क्यों निकलते हैं? इसीलिए ना, वस्त्र पहन के क्यों निकलते हैं? वस्त्र के नीचे तो सब नंगा है। शर्म करना चाहिए, उन्हें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। एक महिला के ये अमर्यादित बयान, इससे ज्यादा क्या? वो तो बार बार करे कि हम माफी मांगते हैं, अगर आपको ठेस पहुंची है तो ये तो बलात्कार से भी ज्यादा भाषा आपका कुठाराघात किया महिला पर। माफी मांगने से क्या होगा? सदन में बोले हैं आप, कोई बंद कमरा में आप नहीं बोले हैं, सदन में बोले जहाँ 100 महिला सुन रही थी।
जितना आपका विधायक है सब सुन रहे हैं। वो तो ये भी कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा दे रहे हैं, फिर महिला का अपमान हम कैसे कर सकते हैं। महिला यही महिला सशक्तिकरण है उनका, महिला इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं, जो भ्रष्टाचार के सीमा पार कर दिए। महिला के लिए जो वक्तव्य बोले हैं क्या आपके नजर में सही है? आप पत्रकार हैं, आप ही बोलिए। किसी माँ बहन जो सुनेगी वो शर्म से घर में मर गई कि कैसा बोल है जो बिहार का मुख्यमंत्री यही है उसकी बोल। उसको महिला के सम्मान बचाना चाहिए, उस सम्मान के विरोध में बात करते हैं, गांजा पी के डर रहते हैं जैसा कि सुने हैं। गंजेरी यही नहीं बोले, जितना कम बोल जितना उनके बारे में बोलिए शर्मसार करके महिला को रख दिया है। आगे वाला विधानसभा चुनाव उनको महिला दिखाएगी और बताएगी कि महिला की इज्जत पर पड़ेगा तो आपके साथ किस ढंग से हम पेश आ सकते हैं।